स्वागत है संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में हमने एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातें जानने का प्रयास किया था और उम्मीद कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें से एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में अवश्य मिल जाएगा। मैंने इस बार भी देखा था एक प्रश्न आया था वो उसी में से आ गया था, अर्थात नेट में जो परीक्षाओं में आता है वो उसी में से ज़्यादातर आ गया था और उसी में से आ जाता है। समान अक्षर और सांध्य अक्षर पूछे जाते हैं ज़्यादातर और वो हमने बता दिए थे और उनके आगे हम आज शुरू कर रहे हैं। दो वीडियो और बनाने का इसमें साथ प्रयास करेंगे, उसके बाद ये समाप्ति हो जाएगा संपूर्ण जो आपके नेट के परीक्षाओं में आता है, फिर इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ जिससे कि आपका आधार जो है, बेस जो है वो क्लियर होता चला जाए, समझ में आ जाए कि है क्या चीज़। वहाँ सूत्रों में तो इसमें सूत्र ही दे रखे हैं सीधे सीधे, जैसे अष्टाध्याय दे रखे हैं, लेकिन सूत्र भी अधूरे से हैं इसमें, उसको पूरा करना पड़ता है पीछे से। ऋग्वेद प्रातिशाख्यम, ऋग्वेद प्रातिशाख्यम उवट जी हैं इसके। ये भ्रम हो गया है, कभी हम काव्य शास्त्र का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने बताया नहीं है, अभी बताएंगे उसमें कि जो ममट्ट जी हैं उनके भाई में ही इनको गिन दिया गया था। तो और ज़्यादातर जो ये कश्मीर के ही थे ऐसा माना जाता है। चलिए वो विषय नहीं है, हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर। समान अक्षर सांध्य अक्षर हो गए थे, सांध्य अक्षर मतलब संधि अक्षर, मैंने बताया भी था इसको। उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। इसमें पीछे से समझाने का प्रयास करूंगा और फिर जो स्वर हैं वो बता दिए गए हैं, लगभग एक दो सूत्र हैं इसमें वो बता देते हैं। एते स्वराहा, एते स्वराहा इसके बाद में बोला गया है, जब हमारे पहली वीडियो देखेंगे उसके बाद में जो सूत्र का प्रयोग किया गया वो एते स्वराहा है प्रथम, दूसरा है अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वरो वा, ये दो पीछे से ही हैं। जो स्वर हैं कि ये समान अक्षर, समान अक्षर जो हैं और सांध्य अक्षर जो हैं उनको मिलाकर के स्वर बन जाते हैं, तो वो हमने जाने थे कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। आ आ था, री री, ई ई, ऊ ऊ, ए ओ, आई और औ, ये स्वर माने जाते हैं। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अर्थात बारह स्वर, एते स्वरा, ये सब स्वर के अंतर्गत आते हैं। पहली वीडियो आपको अवश्य देखनी है, अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो बिना प्रथम वीडियो देखे ये थोड़ी सी समझ में कम आएगी, इसीलिए प्रथम वीडियो अवश्य देख लें। अनुस्वारो व्यंजनों व्यंजनम व स्वरो व, और जो अनुस्वार दे रखा है उसके बारे में यहाँ कहा गया कि ये स्वर भी है और व्यंजन भी है, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन, दोनों में ये गिना जाता है। प्रश्न बन जाता है कभी कभी ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार अनुस्वार को किस रूप में रखा गया है, तो यहाँ याद रखना है ना वो स्वर में है ना वो व्यंजन है, दोनों में ही इसमें रखा गया है। अब यहाँ तक ये स्वर खत्म हो गया। अब मैं थोड़ी सी वर्णमाला, जैसे उसमें मैंने स्वरों को लिखा था ऐसे व्यंजनों की पूरी वर्णमाला लिख देता हूँ, उसके बाद में सारे सूत्र आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में वो नहीं आ पाएंगे। तो हम जानते हैं वैसे वर्णों को लिखा भी है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। हम जानते थे कि को चो टो तो और पो इस तरह से उदित के अंतर्गत आते थे, इसी तरह से हम भी लिखने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि पूर्व ज्ञान भी सही होता चला जाए, लेकिन लिखूंगा उस तरह से जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। कखऊ काखा
गा घा ना, ऐसे इसमें च छऊ ज झऊ या टठौ डढ़ौ ण तथौ दधौ न पफौ बभौ म का खा गा घा ना चा छा जा झा या टाठा डाढ़ा ण ताथा दाधा न पाफा बाभा मा, ये इस तरह से इसमें दे रखा है। ये मेरा उदित तो केवल ये पिछला ज्ञान जो हमने व्याकरण के जरिए अर्जित किया है उसको क्रम में इसीलिए लिख दिया है, इसमें है नहीं, ये आपको याद रखना है। ये सूत्र की भांति ही प्रयोग कराए गए हैं, ये इतने विवरण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। फिर इनकी व्याख्या की गई है, या वारा ला हा शा शा सा, आगे है अं का पा आ, ये इस तरह से पूरा वर्णमाला दर्शाया गया है। जिहुमानी जिहुवामानी जिहुवा मूल्य और उपद्मानीय, ये हैं ये दोनों, ये अनुस्वार है और ये उल्टा हो गया है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर अनुस्वार के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। अब इनके सूत्र में यहाँ क्रम से लिख दूंगा जिससे कि आपको फिर कोई समस्या आएगी नहीं, एक एक बात को बताता चलूंगा, ठीक। का खा गा खा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था द धा, इसमें हमने जाना था कि काद्यो मावसाना स्पर्शा, इस तरह से इसमें बोला गया है व्याकरण में, हमने जाना है कि का से लेकर के मा तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो यहां पर जो बोला गया है इसमें बोला गया है तेषाम आद्या स्पर्शा, इससे पता नहीं चलती क्या स्पर्श है, तो इसकी जो व्याख्या की गई है उसमें वही सूत्र का प्रयोग किया गया है, अर्थात वही व्याख्या में लाया गया है, का से लेकर के मा तक का देव मावसाना स्पर्शा, यानी का से लेकर के मा तक वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा है ये यहां तक है, इसमें इसके लिए है ये प्रथम। दूसरा बोला गया है चतस्त्र अंतस्थ स्तता, यानी उसके बाद में जो चार अक्षर हैं चार वर्ण हैं वो अंतस्थ के नाम से जाने जाएंगे। तो यहां पर जो चार वर्ण दे रखे हैं इसलिए मैं इनके सामने ही सूत्र लिख रहा हूं, बाद में समस्या ना हो। जो चार हैं तथा माने उसके बाद में जो चार वर्ण दिए गए हैं वो किसके नाम से जाने जाएंगे, अंतस्थ के नाम से जाने जाएंगे। उत्तरे अष्टा ऊष्माणा, अर्थात उत्तर में जो बाद है उसके बाद में अंतस्थ के बाद में जो आठ अक्षर हैं वो ऊष्म के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आठ हैं, चार ये हैं और चार ये हैं, इस तरह से ये आठ अक्षर जो हैं वो ऊष्म के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही प्रश्न आते हैं आप परीक्षाओं में, इसलिए इनको कंठस्थ करते चलें, समय पूरी चीजें आती चली जाएंगी। अब आगे थोड़े से सूत्र हैं, अब इनसे हटकर के सूत्र हैं लेकिन यही इनमें प्रयोग किए जा रहे हैं। ये तीसरा हो गया,
चौथा सूत्र है अंतः सप्त तेषां घोषः। अंत सप्त तेषां घोषः अर्थात जो सात हैं, ये आठ बताए गए हैं, इन सूत्रों को आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार। जब तक ये समझ में नहीं आए, आधी अधूरी बातें करते हैं कि अंत सप्त तेषां अघोषः। चलो मैं एक बार सूत्र लिख ही देता हूं, फिर उसके बाद समझाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पांचवा है छठवां, ठीक है। इसमें एक बार और देख ले, थोड़ा गड़बड़ हो जाता कभी कभी। इसमें देखिए अंत्या है सप्त तेषाम अघोषा। अब इनको समझा दूं मैं, इतना ही है बस आज के वीडियो में, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। उत्तरेष्टा ऊष्माणा, यहां तक तो हमने जान लिया कि उत्तर में जो आठ बजते हैं, चार ये और चार ये, वो ऊष्माणा यानी ऊष्म के नाम से जाने जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। व्याकरण में हमने ऊष्म व्यंजन जाने हैं तो वहां पर चार की गिनती है, ठीक है, श श सह इस तरह से। लेकिन यहां पर ये चार तो है ही, चार के साथ में विसर्ग वाला, जिह्वामूल, उपध्मानीय और अनुस्वार, इन चारों को और सम्मिलित कर लिया गया है, उनका नाम ऊष्माणा, याद रखना इसको। अंत्यः सप्त तेषां अघोषा, अघोष है ये, इन दोनों में अघोष की चर्चा की गई है, ठीक है। अब अघोष कौन से हैं? अंत सप्त तेषाम यानी कि जो सात हैं, हा को छोड़ करके, केवल हा इसमें छोड़ा जाएगा, बाकी जो सात बचेंगे वो अंत में आ जाएंगे, इनको मैं यहां दर्शा देता हूं, ठीक है। शा शा सा अह को वा, ये जो है एक दो तीन चार पांच छ सात, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे, बोल रहे हैं ना अंत्या सप्त तेषाम अघोषा, अर्थात अघोष वर्ण में ये गिने जाएंगे। अगली पंक्ति कहती है वर्गे वर्गे चा प्रथम अघौ अघोषौ, अर्थात वर्ग के जो प्रथम दो वर्ण हैं, ये क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये भी अघोष के अंतर्गत आएंगे, तो इनको भी यहां लिख लेते हैं क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये भी अघोष वर्ण के अंतर्गत ही गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहां दो चीज हो गई अघोष में, एक तो सात वर्ण ये हो गए और दस वर्ण ये हो गए, इस तरह से सत्रह वर्ण जो हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, बाद बाकी जो वर्ण बचे वो सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, बाद बाकी जो तीन तीन वर्ण बचे हैं अंत में वो सघोष बचेंगे, कौन से घोष वर्ण बचेंगे, ठीक है। आगे बता रहे हैं ये युग्मौ सोष्माणा, अगले सूत्र में युग्म मतलब जो सम वर्ण है वो सऊष्म है, अर्थात ऊष्म व्यंजन ऊष्म वर्ण के अंतर्गत
आते हैं। उष्म व्यंजन हमने ऊपर भी जाने, लेकिन सूक्ष्म जिसको मैं सूक्ष्म याद रखना है इसको, सूक्ष्म व्यंजन और उष्म व्यंजन में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें ये लास्ट के अंतिम में जो आठ हैं वो उष्म व्यंजन में गिने जाते हैं, सूक्ष्म इनमें से प्रत्येक दूसरा यानी कि ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ ये ऊष्म सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म वर्ण के अंतर्गत। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं इनको जिससे कि याद रहे ये ख घ छ झ थ ध फ भ। ये जो व्यंजन है वो सूक्ष्म व्यंजन के अंतर्गत गिने जाएंगे। युग्म का यहां मतलब है सम संख्या वाले वर्णों को सूक्ष्म व्यंजन के अंतर्गत गिना जाएगा। अंतिम है अनुनासिको अंत्या, अर्थात अंतिम जो वर्ण है ना न्या ना ना मा, ये जो वर्ण है वो अनुनासिक के अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक है, चलिए ये यही सूत्र है, ये सात सूत्र इसमें थे और दो सूत्र ये पिछले बार स्वरों के बारे में थे जिससे कि वो वीडियो को पूर्ति कर सके। एक बार और इनको दोहरा देता हूं, एते स्वरः अर्थात जो हमने दो सूत्रों के जरिए जाने थे समान अक्षर और संध्या अक्षर, उन दोनों को मिलाकर के जो वर्ण बनते हैं उनकी संज्ञा क्या होती है, स्वर संज्ञा हो जाती है, अर्थात वो स्वर के नाम से जाने जाते हैं और हमने यहां उनको दर्शाने का प्रयास किया है। अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वर हुआ, और अनुस्वार जो बचा है वो स्वर भी है और वो व्यंजन भी कहलाता है। ये जो दिखाया है मैंने वर्णों को लिखा है वो ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार है, क्रम वही है सभी में, कहीं कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर ही रहता है हर जगह। तेषाम आद्या स्पर्शा, अब तेषाम आद्या किसके आद्य में किसके नहीं ये इसमें कहीं नहीं दर्शाया गया, तो इसकी व्याख्या बताया कादिव मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के मा तक जितने भी वर्ण है वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आएंगे अर्थात स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। उसके बारे में बताया चतस्त्रो अंतस्थ तथा, अर्थात तथा मानी उस स्पर्श व्यंजनों के बाद जो चार संख्या होगी, तो स्पर्श व्यंजनों के बाद या वाराला ये चार हैं, इनको अंतस्थ के नाम से जाना जाएगा। हम जानते भी हैं इस बात को, अंतस्थ और ऊष्म हमने बड़े अच्छे से जाना है। अगले वाले में बोलते हैं ये उत्तरेष्टः ऊष्माणः, अर्थात उत्तर में जो बाद में आठ वर्ण बचे, अंतिम जो आठ वर्ण हैं उनकी ऊष्म संज्ञा होगी अर्थात वो ऊष्म के नाम से जाने जाएंगे। तो आठ वर्ण ये हैं ह श श सा अह जिह्वामूली पद्मानी और ना या अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार इनको इस तरह से ही बोल सकते हैं। ठीक है, वो आठ हैं और उनको नाम से जाने जाएंगे। अगला सूत्र कहता है अंत्यः सप्त तेषाम अघोषा, अंत्यः सप्त तेषाम उनमें से जो सात अंतिम हैं अर्थात हा को छोड़ करके जो सात बच्चे वो ऊष अघोष के नाम से जाने जाएंगे, इसलिए हमने यहां पर इनको दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगले वर्ण कहा गया है वर्गे वर्गे च प्रथमा अघोषौ, अर्थात वर्ग के प्रथम दो वर्ण शुरू के वो अघोष के नाम से जाने जाएंगे, तो वो भी यहां पर हमने लिख दिए हैं। युग्म सूक्ष्माणो, युग्म का मतलब है सम संख्या वाले वर्णों को सूक्ष्म के नाम से जाना जाएगा। तो ये सम है दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा, इस तरह से वो सूक्ष्म व्यंजन के या वर्ण के नाम से जाना जाएगा। अनुनासिको अंत्या, अंतिम जो वर्ण है वो अनुनासिक के नाम से जाने जाएंगे। अंतिम वर्ण कौन से हैं, यमंगण अनुनासिका हमने सूत्र भी जाना है, अंतिम जो वर्ण है वो इसके नाम से जाना जाएगा। इसमें से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा और 102 बार देखने पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद प्रातिशाख्य सीधे सीधे नहीं समझाता, वो व्याख्याएं नहीं करता ज्यादा और व्याख्याएं बड़ी कठिन सी हैं, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, अगर कहीं कोई समस्या आ रही हो तो बताने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।